हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ इस पैटर्न को आप ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं लेडीज स्वेटर कार्डिगन कोटी जैकेट गर्ल्स स्वेटर गर्ल्स टॉप गर्ल्स जैकेट बच्चों के ऑल प्रोजेक्ट जेंट्स स्वेटर आदि में बन के बहुत ही खूबसूरत हमारा ये पैटर्न आ जाता है और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने टेन के मल्टीपल में फंदे डालने हैं प्लस हमने टू फंदे एक्स्ट्रा डालने दस नंबर की सिलाई में हमने इस पैटर्न को बना लेना है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो फर्स्ट रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे पहला फंदा उतार लेना है धागा अपनी साइड करेंगे चार फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार चार फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी साइड करेंगे आठ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे नेक्स्ट हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है धागा पीछे लास्ट का फंदा सीधा बैक साइड से सेकंड रो अब देखिए बैक साइड से पैटर्न की सेकंड रो अब सेकंड रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार चार फंदे सीधे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे करेंगे आठ फंदे सीधे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ फिर धागा अपनी साइड करेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे चार फंदे सीधे लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे तो बैक साइड से पैटर्न की सेकेंड रो कंप्लीट हो गई अब देखिए थर्ड रो थर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे सीधे बुने अब दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे तो सीधी साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक करेंगे दो का एक कर लेना है फिर एक जाली डालेंगे दो फंदे सीधे फिर एक जाली डालेंगे नेक्स्ट हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे। तो ये देखिए जो आगे वाला फंदा है इसको इस तरीके से पलटाएंगे और दो का एक करेंगे अब नेक्स्ट देखिए एक दो तीन चार चार फंदे सीधे अब नेक्स्ट हमने दो का एक करना है तो सीधी साइड से सिलाई डालेंगे और दो फंदे एक साथ बुनेंगे ये दो का एक हो गया फिर एक जारी डालेंगे जारी डालने के लिए धागा आगे करना है फिर दो फंदे सीधे बुन लेने फिर एक जारी डालेंगे नेक्स्ट हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे तो दो का एक कर लेंगे फिर दो फंदे सीधे लास्ट का फंदा सीधा तो देखिए ये फ्रंट साइड से पैटर्न की थर्ड रो कंप्लीट हो गई बैक साइड से फोर्थ रो पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने फोर्थ रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है जाली वाले फंदे भी हमारे उल्टे ही आएंगे ये देखिए बैक साइड से पैटर्न की फोर्थ रो कंप्लीट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से पैटर्न की फिफ्थ रो पहला फंदा उतारेंगे एक फंदा सीधा नेक्स्ट हमने दो का एक करना है तो सीधी साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक करेंगे फिर एक जाली डालेंगे अब नेक्स्ट देखिए चार फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार फिर एक जाली डालेंगे नेक्स्ट हमने दो का एक करना है तो नेक्स्ट फंदा पलटाएंगे और फिर दो का एक कर लेंगे फिर देखिए दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे सीधे नेक्स्ट हमने दो का एक करना है तो सीधी साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर लेंगे दो का एक कर लेना है फिर एक जाली डालनी है नेक्स्ट हमने चार फंदे सीधे बुनने हैं फिर एक जारी डालेंगे नेक्स्ट फंदा पलटाएंगे और दो का एक करेंगे नेक्स्ट एक फंदा सीधा लास्ट वाला फंदा भी सीधा आ जाएगा तो देखिए फ्रंट साइड से पैटर्न की फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई बैक साइड से सिक्स रो सिक्स रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है अब देखिए फ्रंट साइड से सेवन पहला फंदा उतार लेंगे अब नेक्स्ट अपने दो का एक करने सीधी साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर लेंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे और देखिए एक दो तीन चार पाँच छः छः फंदे सीधे फिर धागा अपनी साइड करेंगे दो का एक करेंगे तो नेक्स्ट फंदा इस तरीके से पलटा लेंगे फिर दो का एक कर लेंगे फिर नेक्स्ट हमने दो का एक करना है तो सीधी साइड से सिलाई डालेंगे दो फंदे एक साथ बुनेंगे फिर एक जाली डालेंगे अब नेक्स्ट देखिए एक दो तीन चार पाँच छः छः फंदे सीधे फिर धागा अपनी साइड एक जाली डालने के लिए नेक्स्ट फंदा इस तरीके से पलटाएंगे और दो का एक करेंगे लास्ट का फंदा सीधा तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की सेवन थ्रो कंप्लीट हो गई बैक साइड से देखिए एट थ्रो एट थ्रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है अब देखिए फ्रंट साइड से नाइन्थ रो अब नाइन्थ रो में हमारा पैटर्न रिपीट एंड शिफ्ट होगा तो देखिए पहला फंदा उतार लेंगे नेक्स्ट फंदा हमारा सीधा आ जाएगा नेक्स्ट फंदा सीधा बुन लेना है धागा अपनी साइड करेंगे अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ फंदे उल्टे आठ फंदे उल्टे, उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी साइड आठ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाँच सात, आठ फिर धागा पीछे कर लेंगे और नेक्स्ट हमने दो फंदे सीधे बुन लेने ये देखिए अब देखिए टेंथ रो पहला फंदा उतारेंगे नेक्स्ट फंदा उल्टा आ जाएगा फिर धागा पीछे करेंगे आठ फंदे सीधे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ फंदे सीधे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे आठ फंदे सीधे धागा अपनी साइड नेक्स्ट हमारे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे तो देखिए बैक साइड से टेंथ रो कंप्लीट हो गई अब देखिए इलेवंथ रो अब इलेवंथ रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे नेक्स्ट फंदा हमारा सीधा आएगा फिर एक जारी डालेंगे देखिए एक जारी डालेंगे दो का एक करेंगे तो नेक्स्ट फंदा इस तरीके से पलटाएंगे और दो का एक करेंगे दो का एक करेंगे फिर देखिए एक दो तीन चार चार फंदे सीधे चार फंदे सीधे आ जाएंगे। अब देखिए सीधी साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक करेंगे दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो का एक कर लेंगे फिर एक जाली डालेंगे दो फंदे सीधे आ जाएंगे फिर एक जाली डालेंगे अब दो का एक करना है तो इस तरीके से इस फंदे को पलटाएंगे और दो का एक कर लेंगे फिर चार फंदे सीधे एक दो तीन चार फिर दो का एक तो सीधी साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी साइड और देखिए लास्ट के फंदे सीधे तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की एलेवंथ रो तो कंप्लीट हो गई बैक साइड से देखिए ट्वेल्थ रो तो। ट्वेल्थ रो तो को हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे अब देखिए फ्रंट साइड से थर्टीन रो तो। पहला फंदा उतारेंगे नेक्स्ट हम दो फंदे सीधे बुनेंगे एक दो दो फंदे सीधे एक जाली डालेंगे एक जाली डालेंगे अब देखिए नेक्स्ट खंदा इस तरीके से पलटाएंगे फिर दो का एक करेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे अब नेक्स्ट हमने दो का एक करना है सीधी साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक करेंगे फिर एक जाली डालेंगे अब नेक्स्ट देखिए एक दो तीन चार चार फंदे सीधे फिर एक जाली डालेंगे फिर दो का एक करेंगे फिर नेक्स्ट एक दो दो फंदे सीधे फिर सीधी साइड से सिलाई डालेंगे दो का एक करेंगे फिर एक जारी डालेंगे लास्ट के फंदे सीधे आ जाएंगे ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की थर्टीन रो कंप्लीट हो गई बैक साइड से फोर्टीन रो फोर्टीन रो को हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्टीन रो अब फिफ्टीन रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन फिर एक जाली डालेंगे नेक्स्ट फंदा पलटाएंगे दो का एक करेंगे फिर देखिए नेक्स्ट दो का एक करेंगे फिर एक जाली डालेंगे एक दो तीन चार पाँच छ छः फंदे सीधे बुनेंगे फिर एक जाली डालेंगे नेक्स्ट फंदा पलटाएंगे दो का एक करेंगे फिर देखिए नेक्स्ट हमने दो का एक करना है तो सीधी साइड से सिलाई डालेंगे दो फंदे एक साथ बुनेंगे और एक फंदा बना लेंगे फिर एक जाली डालेंगे फिर नेक्स्ट देखिए एक दो तीन तीन फंदे सीधे फिर लास्ट का फंदा भी सीधा तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की फिफ्टीन रो कंप्लीट हो गई बैक साइड से सिक्सटीन रो अब सिक्सटीन रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है ये देखिए बैक साइड से हमारी पैटर्न की सिक्सटीन रो कंप्लीट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से सेवनटीन रो अब सेवनटीन रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा सेवनटीन रो को हमने पैटर्न की फर्स्ट रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करना है अब हमने इन्हीं सोलह सिलाइयों के पैटर्न को बार बार रिपीट करते जाना है और बन के देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखिए बहुत ही सुंदर बहुत ही आसान पैटर्न है आप इसे ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू